खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम। ये मैं चर्च की छत पर खड़ा हूँ, ये लोअर छत है, इसके ऊपर एक और छत पड़ेगी। ये आप देख रहे हैं ये कॉलम्स, आज ये बड़ी बहुत बड़ी मशीन के ज़रिए और वो गाड़ियाँ जो कंक्रीट ले कर आती हैं वो इस मशीन के साथ कनेक्ट होती हैं। और ये पंप, ये मशीन जो पंप है, ये पंप करता है सारी कंक्रीट को और उससे ये कॉलम सारे भरे गए हैं, सारे के सारे कॉलम्स, और ये बीम भी भरा गया है। तो ये ऊपर वाला छत नहीं है, ये जो फ्रंट आपने तस्वीर में देखा होगा कि फ्रंट, ये सारी जगह ये इसके ऊपर यहाँ एक ऐसे स्लांटिंग में है आएगी, ये कवर हो जाएगी सारी जगह। तो ये छोटा सा छत है, अभी बड़ा छत ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा बड़ा। ये फिर कॉलम्स के ऊपर इसके साथ बीम कनेक्ट होंगे और छत पूरा इसके साथ कनेक्ट होगा। इमेजिन, वो बहुत बड़ा, वो मुझे बता रहे हैं कि दो हफ्ते इसकी शटरिंग के लगेंगे सरिये वाले, क्योंकि खुदा की बरकत के साथ अगले महीने के एंड तक या दरमियान में देखें। हाँ, ये पूरा छत इसी तरह, ये मशीन और गाड़ियाँ जो कंक्रीट लेके आती हैं, ये मशीन के ज़रिए इसमें छत डाला जाएगा। तो आज पहली दफ़ा ये जो चर्च की ये जो छोटी छत है, वो छोटी छत है, इस पे मैं खड़ा हूँ। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, आप सब की दुआओं का शुक्रिया, और आप सब जिन्होंने भी हदिया भेजा है, हदिया दिया है खुदा के इस घर को बनाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लाखों दफ़ा शुक्रिया, और लाखों दुआएं, करोड़ों दुआएं आप सब के लिए बरकत। जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि खुदा के घर में आप हमेशा ही रहेंगे। बनी इसराइल जब कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, वो उस जानवर पर हाथ रखते थे, वो गुनाह किया तो वो कि ये मैं, इस मेरी जगह ये जानवर कुर्बान हो रहा है। तो आप जब हदिया देते हैं, दरअसल आप यहाँ पर हमेशा ही रहेंगे, आप सतून बन जाएंगे, आप खुदा के घर से कभी बाहर नहीं जाएंगे, कि आपने के हदिये से ये कॉलम्स बने। अगर आपने हदिया दिया है, कॉलम से लगा है, छत पे लगा है, दीवारें, ये सारा, तो आप हमेशा खुदा के घर में रहेंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं दिया, आप भी कोशिश करें और इस बहुत बड़ी बरकत में शामिल हो जाएं, ताकि आप हमेशा खुदा के घर में रहें। यही दुआ ज़बूर 23 में हम पढ़ते हैं कि मैं हमेशा तक तेरे घर में रहूँ। मुबारक है जो खुदावंद के घर में रहते हैं, और तेरे घर की दहलीज पे रहना शरीरों के खेमों में रहने से बेहतर है। तो आप हमेशा बेहतर चॉइस करें। हम खुदा हमें देता है इसलिए कि हम उसके कामों पर लगाएं, ये रूह में इन्वेस्ट करना है, ये आसमान पर ख़जाना जमा करना, और हमेशा इससे, इस खजाने से आप निकालते ही रहेंगे, बरकतें आपके नस्लों तक जारी होती रहेंगे। तो आइए मिलजुल कर खुदा का घर बनाएं, और साथ साथ यकीनन कैमरा आपको दिखा रहा है ये बीम, ये कॉलम्स, और नीचे भी आप देख रहे हैं वो बीम्स नीचे भी सारे। तो ये देखें कितनी मज़बूत, नीचे भी कॉलम इसी किस्म के जो है ना, बीम्स निकाले गए, और वहाँ 15 फुट नीचे से, जितना ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको चर्च, उतने ही नीचे 15 फुट है ये, और वो भी इसी तरह पूरे कंक्रीट स्ट्रक्चर के साथ। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। ये देखें, और इस ये जो बीम्स हैं, ये फर्श को बैठने नहीं देंगे, और ये फिर सारे चर्च का लोड जो है ये डिवाइड हो जाएगा, और अर्थ को एक प्रूफ है। खुदावंद का शुक्र हो आप सबको भी। हाँ, दावत देता हूँ आप हमारे साथ खड़े हों, हमारे साथ मिलें आप भी, ताकि हमेशा सब नस्लों के लिए, बहुत नस्लों के लिए आपके ज़रिए बरकत जारी हो जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, शालोम।